कलमें कैसी चुनी जाती है अपने को आम की कलमें तैयार करने की है, तो इस प्रकार जो पुरानी जो डगाल है डाल उसकी उसके पत्ते तोड़ के रखने के हैं इस प्रकार। और आम की ये जो सायन है ये ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए, आम के जो डंठल है उसकी उतनी मोटी चाहिए इस प्रकार की। तो ये तोड़ के रखने 10 से 15 दिन तक ये आम के पेड़ को अटैच रहेगी, उसके बाद में इसे 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पर ये जो अपेक्स है ये बड ऐसी डेवलप हो जाएगी, बंद कर दे। इस प्रकार यहाँ अंकुर निकल जाएगा इतना मोटा या इससे मोटा भी, इसके बाद में यहाँ कलम बांधने के लिए उपयुक्त है। इसे पेड़ से ऐसी 2 से 3 इंच दूर से तोड़ के ला लीजिए। इस प्रकार पेड़ से 15 दिन के बाद में या 12 दिन के बाद में इस प्रकार ये अंकुर निकल जाएगा, तो ऐसा अंकुर फूल जाएगा। तो आप इस यानी इस सियान को पेड़ से काट के ला लीजिए, 2 से 3 इंच का साइज चलेगा, 2 इंच भी चलेगा, इतना बड़ा भी चलेगा। ओके, इसको किस प्रकार से चाप मारने का है, तो इसको ऐसी उंगली पकड़ने का और ये ब्लेड से स्लैंट एकदम टैपर करके तिरछा ऐसा ऐसा करने का, इस प्रकार के ले जाने का, और एक बार कभी भी एक साइज ले जाने का, बिल्कुल इस प्रकार इधर से चाप मारे स्लैंट, अब दूसरी तरफ से भी इधर से चाप मारने का इस प्रकार ये दोनों तरफ छाल रहना चाहिए, ये दोनों तरफ बार रहना चाहिए, इधर से ऐसा ट्रैपर, इधर से ट्रैपर, इस प्रकार का ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा हो गया, इधर से थोड़ा ये कर दीजिएगा। अब इसको अपने को इस आम के पेड़, यहाँ कोई भी आम का पेड़ है, छोटा रहे या मोटा रहे, इतना भी बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, इतना भी बड़ा रहेगा तो भी चलेगा। इसको आप कलम बांधने का है, इसके पत्ते छाट दीजिए, और मुझे इस जगह कलम बांधने की है इसलिए मैं यहाँ से इसे काट दूंगा ऐसा, इस प्रकार। फिर इसमें बीच से ब्लेड या चाकू से एकदम बीच से धीरे से, ब्लेड तेज रहती है इसलिए धीरे धीरे डालने का बीच से एकदम, और उसके बीच बीच में एकदम इस प्रकार उतना ही लंबा चाप जिसमें हम ये कलम डालेंगे। इस कलम को इसकी जो छाल है बार्क है वो मिलना चाहिए एक तरफ, कम से कम एक तरफ देखने का। इसमें अपन इस प्रकार डाले, ये इसको सिर्फ एक तरफ ये ब्रांच की छाल और ये छाल बिल्कुल मिलना चाहिए, महत्व का एक तरफ देखने का, और उसके बाद में ये छाल मिलना चाहिए, इसकी छाल इस पेड़ की और इसकी जो छाल है जो बाकी। इसके बाद में यहाँ टेप, जो अपन वायर को टेप लगाते हैं, इस टेप से भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। यहाँ टेप आपको लपेटने की इससे, लेकिन टाइट एकदम, यहाँ टेप टाइट लपेटने का, ऐसा करते वक्त यानी वो बार्क बराबर रहनी चाहिए। इसको एडजस्ट कर लो ऐसा, ये बार्क ऐसी मिलनी चाहिए, ऐसा टाइट लपेटते हुए इसे आखिरी तक ऐसी लपेट लीजिएगा। अब ये रेनी सीजन, पानी का मौसम है इसलिए इसमें पानी जाने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसमें आप ये पॉलीथीन ऐसी इन्वर्टेड ऐसी डाल देने का और इसको ऐसा धागे से बांध देने का, ताकि इस प्रकार पॉलीथीन उल्टी करके इसे ऐसे हल्के से आप बांध लीजिएगा, ताकि यहाँ पर पानी ना लगे। जैसे बढ़ते जाएगा पत्ते निकलने चाहिएगा, 15-20-25 दिन के बाद में आप पत्ते निकलना चालू हो गए, इसको निकाल के फेंक दीजिएगा। इस प्रकार वो अंदर में पत्ते निकल जाते हैं, उसके बाद में आप पॉलीथीन को छोड़ दीजिए और इस प्रकार यहाँ ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी इसकी ये झिल्ली या जो अपन ने टेप मारे हैं इसको खोलने का नहीं, जब तक इस प्रकार पत्ते नहीं बड़े हो जाते तब तक इसकी झिल्ली और ये खोलने का। अब खोलने का कैसे झिल्ली, तो इसको ब्लेड से ऐसी मार दिए तो झिल्ली पूरी ओपन हो जाएगी, तो इस प्रकार यहाँ पेड़ ज्वाइंट हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ दोनों पेड़ जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें जिस आम की
कलम और क्वालिटी पसंद है उस आम की ब्रांच वो तोड़ के जिस प्रकार अपने फिट किया उस प्रकार फिट करने का, इस प्रकार कलम का पेड़ तैयार हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पुराना पेड़ है, यह कोई भी क्वालिटी का होता है, जनरली इसे देसी आम की गुई से ही तैयार करने का, क्योंकि देसी आम की गुई बहुत रूट अंदर तक जाता है कलमी आम के प्लांट का वापरनीकरण करने का कलम के लिए। और अब समझो इस प्लांट को हमने पैकेट को लगाए इसमें ज़मीन में, तो इस पेड़ की जितनी भी शाखाएं नीचे से निकलेगी उसे कभी भी बढ़ने देने का नहीं, इसे तोड़ते रहने का, सिर्फ ये जो कलम जो अपन ने फिट की है जो दूसरे प्लांट की, इस पे से ब्रांचेस जो निकलेगी उसी को बढ़ने देने का, इस प्रकार प्रिकॉशन लेने का। नहीं तो इधर से अगर जगह ब्रांच बढ़ी तो यहाँ गाड़ी मर जाएगी और आपका देसी आम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ प्रिकॉशन लेने का, नीचे की कोई भी ब्रांचेस फूटवे फूटने देने का नहीं, तोड़ते रहने का, सिर्फ यहाँ कलम से जो निकली हुई ब्रांचेस है उसी को बढ़ने देने का। इस प्रकार आपको जिस आम की कलम मैंने तैयार करने की, वहाँ आम की कलम तैयार हो जाएगी और आपको उस प्रकार का आम मिलेगा।